नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर 5 वर्ष में संघीय सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। क्योंकि जनता जनार्दन है, यहां पर जनता का विशेष स्थान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक टीस रहती है कि जब चुनाव का समय आता है तभी नेता अपने बिल से निकल कर आते हैं, यहाँ पर जनता को अपनत्व दिखाते हैं। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर जनपद मैनपुरी के रामनगर क्षेत्र में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों से जानेंगे, जनता से जानेंगे, बच्चों से जानेंगे, बुजुर्गों से जानेंगे कि उनका भाजपा या सपा को लेकर क्या मत रहता है, क्या दृष्टिकोण रहेगा यदि वो भाजपा को वोट देंगे या वो सपा को वोट देंगे। ज़्यादा देरी न करते हुए हम सीधा जनता के पास चलते हैं, जनता की अदालत से जानने का प्रयास करते हैं आखिर मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में अब की बार कौन आता है। शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। दादा, आप थोड़ा खड़े हो जाएं। नाम क्या है आपका, ऐसी बताओ। चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, ये बताएं, वोट तो डालने जाएंगे आप, ऐसा कभी हुआ है जब तक ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं या नहीं चुनाव हुए आपने वोट ना डाला हो? नहीं, हमने वोट डाला हुआ है। अच्छा, अगर हम भाजपा और सपा की बात करें तो उसमें आपका वोट किस पार्टी को समर्थन देगा? भाजपा को। भाजपा को देगा, आखिर किस आधार पर देगा? क्योंकि उसके नियम संयम बढ़िया है। अच्छा, सपा में ऐसी चीज क्या थी जो आपको ठीक नहीं लगी, उसके आधार पे आप भाजपा को वोट दे रहे? लूटपाट। लूटपाट। यहाँ पर अभी हमारे कुछ सपा लोगों से भी बात हुई थी, सपा के समर्थक थे, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया कि राजकुमार यादव जो मैनपुरी से हैं उनके घर में भी पुलिस घुसेड़ रखी है। यहाँ पर जो सपा के बूथ अध्यक्ष हैं उनको पुलिस उठा रही है। यहाँ पर जितने भी सपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ वारंट जारी हो रही है। ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ये गुंडागर्दी है कि नहीं है, थोड़ा बताएं आप। हम भाई नहीं बता सकते। नहीं नहीं, वोट तो इसमें बताने का मतलब नहीं, मेरा को काम नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा तो नहीं सपा का आदमी हो आपको डर हो भाजपा का वारंट इशू करता? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वोट डालने जाएंगे आप? अरे वोट में डालेंगे, उसमें क्या है। वोट अगर भाजपा सपा की हम बात करें तो वोट आपको किस पार्टी का समर्थन? अरे वो तो हम किसी को बता थोड़ा सकते, वो तो जाएंगे तब मैं डालेंगे जाके वहाँ। तो क्या क्या रहता है, ऐसे आदमी ये अंदाज नहीं लगा पाता है, आदमी ये अंदाज मरे कह रही है कि हमने गौवंशों के लिए गौ आश्रय बनाए हुए हैं, प्रति गाय के लिए हम 30 रुपए खर्च कर रहे हैं। कोई रखता ही नहीं, कर जाते भगा देते तुरंत ही, पीछे घर पे नहीं आते, गाय की आ जाती है, हमसे पहले आ जाती है। गौवंश का मुद्दा एक रहता है यहाँ पर कि प्रशासनिक स्तर से, शासन स्तर से गौवंशों के लिए पैसा तो जारी किया गया है, उसके बावजूद भी सड़कों पर गौवंश घूमना किसानों के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करें कि यहाँ पर हमारे भाई खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? सोनू यादव। क्या नाम? सोनू यादव। यादव जी, ये बताएं कि वोट कहाँ जाने वाला आपकी बार? वोट साइकिल में जाने वाला है। लेकिन अभी दादाजी ये कह रहे थे ये तो भाजपा का क्षेत्र है, भाजपा में ही जाएंगे, तो वो याने मेरा नियम। अच्छा, मेरा किस मत पर आप सपा को वोट देंगे? यहाँ पे विकास हुआ है। विकास हुआ है, भाजपा में ऐसी चीज क्या नहीं हुई है जो सपा में हुई है? वो भाई साहब गौशाला में गैया रखते नहीं है, मेरे यहाँ पे गौशाला डला है नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ, वहाँ पे 5। करते क्या आप, करते क्या है? मैं तो दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं, दुकान में जो सपा के टाइम पे दुकानदारी होती थी वो अभी दुकानदारी आपकी हो रही है? वो अभी मेला ही नहीं लग रहा है तो वो बिक्री नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं आ पा रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? अरिंद सिंह। अरिंद जी, अब ये बताएं जी कि अगर भाजपा और सपा में एक पार्टी को समर्थन करने को कहा जाए तो आप किसे समर्थन करेंगे? भाजपा को समर्थन करेंगे। किस आधार पर करेंगे? सारा सिस्टम सही चल रहा है सर, और क्या। अभी जमीनों को लेकर कई सारे विवाद छिड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी ऐसा तो नहीं अपनी जमीन बचाने में जुड़े हुए हो, इस कारण भाजपा बोल रहे हैं? हमारे पास सर ऐसी कौन सी जमीन, अवैध जमीन तो है नहीं जो बचाने में लगे होंगे। नहीं, अवैध होगी वो बचाएगा अपना। लोगों का ये रहता है कि यहाँ पर दबंग जो लोग हैं वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और हम लोग न्याय के चक्कर में, न्यायालय के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगता है, आप भी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे सर, बिल्कुल लगा रहे हैं ना, लेकिन वोट आपका? वोट भाजपा। यहाँ पर और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यतेंद्र कुमार। आपका यतेंद्र कुमार, कहाँ रहते हैं आप? बेबर। बेबर रहते हैं, जनपद मैनपुरी में ही लगता है बेबर भी। भाजपा सपा की अगर बात की जाए तो एक पार्टी किस चुनाव करेंगे?
सपा लगती है सपा जीतेगी आपकी बार। हाँ जीतेगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, और भी हम आपको दिखाएंगे। दादा क्या नाम है आपको? आप बात करो, आप बात, दादा जी वोट नहीं देते हैं, सीधी बात इसका मतलब ये है। दादा कन्हैया गुप्ता। गुप्ता जी ये बताएं, भाजपा सपा में आप सीधा किसको वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो भाजपा के हैं। आप लोग भाजपा के? भाजपा के। भाजपा पे आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं गौवंश के ऊपर कि ये जो गौवंश हैं सड़कों पर घूमते रहते हैं, किसानों का नुकसान करते रहते हैं, तो जमीनी स्तर पर देखा जाए ये सपा वालों की बात किस हद तक सही है? देखिए गौवंश की तो समस्या है, ये बिल्कुल राइट, गौवंश की समस्या की वजह से जो पब्लिक जो है भाजपा से कुछ क्षुब्ध है, परेशान है। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, महंगाई के क्षेत्र में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, इनसे जनता यहाँ पर भाजपा से संतुष्ट है या नहीं है? देखिए महंगाई आदमी झेल लेगा और झेलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो और समस्याएं हैं उनको नहीं झेल पाएगा आदमी। क्या करते हैं आप वैसे? वैसे हम मैं तो एजुकेशन कर रहे हैं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 32। जी और भी लोग खड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नाम क्या आपका? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह, वोट कहाँ जाने वाला आपकी बार आपका? सपा में। सपा में जाने वाला है, भाई साहब तो गुप्ता जी कह रहे थे। वो अपना अपना मत है, अपना अपना मत है, लेकिन ये मत भी एक आधार पे होता है। किस आधार पे आप सपा को वोट देंगे? हम इस आधार पे सपा में वोट देंगे क्योंकि सपा में ये खुले सांड नहीं घूम रहे थे, अब खुले सांड घूम रहे हैं, आदमी मर रहा है, टकरा के मर रहा है, गायों मर रही हैं, इस आधार पे देंगे। क्या लगता है सपा में परिवारवाद नहीं दिखता है? परिवारवाद तो सब में दिखता है, अपने अपने को तो आदमी हर आदमी देखता है। नहीं अच्छा, तो सीधी बात है, सपा अपने अपने को देख रही है, सपा अपने आप को देख रही है, परिवारवाद बात करें तो अपने आप को क्यों देख रही है? किसान को आप ही तो कह रही है, अपना परिवार दुनिया देखती है। हाँ तो घर में हर आदमी अपना अपना परिवार देखता है, इसके लिए कहा आपने अपना परिवार नहीं? फिर भी क्या संगठित है? क्या संगठित हो या ना हो, अभी तो संगठित परिवार के ही वोट से वो जीत जाएंगे। कौन क्यों नहीं जीत जाएंगे? जीत तो परिवार के ही 10-5 वोट है उससे जीत। अरे परिवार के वोट से क्यों जीतेंगे? आप भी उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं है? नहीं हम तो हिस्सा नहीं है, तो आप बता नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर के इनसे बात करने लगे, ये सभी कन्फ्यूजन वोट पे है, हम सीधा इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब वोट आपका सपा को जाएगा या भाजपा को जाएगा? भाई हमारा वोट ही नहीं बना। जी भैया वोट ही नहीं बना? अभी आपका वोट नहीं बना, तो उम्र तो देखने से लग रही है, आप उम्र लग रही है लेकिन वोट तो नहीं बना। भाई वोट नहीं बना, रियल 18 हो गए कि कागजों के अनुसार? कागजों के अनुसार अभी आपका नहीं बना, फिर भी जब आपका वोट बनेगा आगे, अगर वोट देने की बात कही जाए तो इतना तो परिपक्व है कि मेंटली आप बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, तो वोट जो है सपा को जाएगा कि भाजपा को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। किस आधार पर जाएगा आपका, जानना चाहते हैं? भाई काम सारे अच्छे कराए हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है हम आधी रात में कहीं भी जाएं टेंशन फ्री होके जाते हैं, वैसे 8 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जी सब ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु गुप्ता। सुधांशु गुप्ता जी अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं आप? यस पढ़ाई कर। किस क्लास में है? BSc। BSc वोट है आपका? वोट अभी नहीं बना। फिर भी लाइसेंस नहीं बना होगा आपका? लाइसेंस नहीं बना होगा, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा सरकार में सब चीज़ संभव है? संभव तो है हर चीज़। हाँ। बिना हेलमेट बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा ठीक है? नहीं अपराध अपराध है ना, आगे से ये अपराध होगा है? आगे से ये अपराध होगा? अपराध तो होगा ही, अपराध नहीं आगे इस तरह का दोबारा करेंगे आप? ना वो तो नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे, हम आते हैं आप व्यस्त है इसलिए अपने आपको टोका नहीं, यहाँ वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आए, हम जनता को मत जानने आए हुए हैं, उसी आधार पे भाजपा या सपा? भाजपा। क्यों? इज्जत से खड़े हैं, लाल रोटी खा रहे हैं बस। सपा में ऐसा नहीं होता था? ऐसा नहीं, 8 बजे दुकान बढ़ाने पड़ती थी। अब कितने बजे बढ़ा रहे हैं? 10 बजे। 2 घंटे आपको फिर भी मिले, यानी 10 बजे के बाद लूटपाट होती है? हाँ लूटपाट चलती थी। चलती अभी क्या है? आप बिल्कुल शांति है? बिल्कुल। कितना कमा लेते हैं शाम तक आप? जो भी हो जाए 2-3। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। विकास की बात की जाए तो किस हद तक विकास हुआ गुंडागर्दी को छोड़कर? विकास भी सही है, हमने सबसे सहूलियत ये है कि हम इज्जत से खड़े हैं यहाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम आपका? राम प्रकाश जी। कहाँ रहते हैं आप? मनपुरा रहते हैं। बता दीजिए आप भी भाजपा या सपा? हम तो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के हैं। कोई आधार होगा जो भाजपा वालों से आप कहना चाहते हैं?
हम कुछ नहीं कहना चाहते भैया। नहीं भाई, एक मत होता है कि आंख बंद करके अंधविश्वास, अंधविश्वासी को कोई अगर आपको कहे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा आपको, चाहे किसी को नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका एक मत जरूर दिया करें कि हम सपा को मत, सपा में मत देंगे, तो उसका ये आधार है, इसलिए देंगे। किस लिए आप देंगे? अरे भैया अब तुम साथ रहो, बताओ अरे भैया का नहीं तो क्या क्या लगना चाहिए आपको? मैं क्या समझूं आप बता पानी वोट सपा को जाएगा? आपका कुछ करवा दिए हमें? नहीं हम कुछ नहीं करवा देंगे, हम क्या करवा लेंगे मीडिया वाले? अरे खेत खेत तो गैया खाई रखा है कोड़ है। हां तो ये बात बताएं, ये बात आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। देखो अपनी बात जो है खुल के कहना ही लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम साहब रविंद्र सिंह कश्यप रामनगर से बोल, रामनगर से है। भाजपा या सपा को क्या समर्थन किसे करेंगे? सपा को समर्थन करता हूँ, और सपा को इस वजह से समर्थन करता हूँ कि उस जैसा विकास हमारे इस क्षेत्र में नहीं किसी ने किया है। सातवां आसमान पार कर गई है, बस हम इसी से हम तो असंतुष्ट हैं। भाजपा के भी काफी समर्थक हैं। हैं भाई यही तो जनाधार है। वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, हम 8 बजे तक पहले लगा, 8 बजे तक नहीं लगा पाते थे कि हमारे साथ लूटपाट हो जाती थी, लेकिन अब 10 बजे तक लगाते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई ये तो मानते हैं कि गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन कम भी तो नहीं है। किस जगह आपको लगती है कि यहाँ गुंडागर्दी भी भाजपा के साम्राज्य में चल रही है? भाई हम ये मानते हैं कि गुंडागर्दी भी थोड़ा ब्रेक लगाया है। अब पेपर, हम पेपर में आए दिन देखते हैं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये है तो सपा ही, भाजपा ही है। पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है। वोट बना कि नहीं बना? नहीं बना है। तो कब तक बनेगा? जब बन जाए अगले, और क्या, अगली इलेक्शन बनेगा। किस पार्टी का समर्थन बिना वोट के भी आप करेंगे? बीजेपी। ये भी कभी करेंगे? गुंडागर्दी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आप विकलांग हैं, विकलांग पेंशन बनी है अभी आपकी? हाँ जी, हाँ जी बनी है। हाँ जी। तो बसों में फ्री यात्रा कर रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या किस पार्टी सपोर्ट करना चाहेंगे? सपा, सपा, सपा को। सपा जा चुप है, बताओ थोड़ा एक्सप्लेन जी। हम बता रहे आपको, जैसे कि सांड गैया है, उसमें वहाँ टाइम पे इतना नहीं खर्चा था, जैसे आप रखा रहे हैं, रात दिन रखा रहे हैं, इस समय रात दिन रखा रहे हैं, तो उसमें ये थी वो सांड गैया नहीं रखानी पड़ती थी। उसमें वो भी है कि जैसे कि डीजल पेट्रोल इस पे भी महंगाई है, कौन सी चीज़ सस्ती है? बाइक तो होगी आपके पास? हाँ बाइक है। मैं पेट्रोल की वही आधा लीटर डलवा लेते हैं भाई, काम चल जाता है आपका। साग सब्जी लेने जा रहे हैं, काम चलता है। संतराम, संतराम जी क्या लगता है भाजपा या सपा? मेरे को तो अब की बार सपा लग रहा है, भाजपा से मजा नहीं आ रहा। फोन थोड़ा साइलेंट कर ले, थोड़ा फोन साइलेंट कर ले, थोड़ी बात कर लीजिए आप। हाँ तो भाजपा से असंतुष्ट है भैया? ऐसा है ना, महंगाई ज्यादा है। महंगाई के अलावा? महंगाई के अलावा आम गरीब लोगों का आप तो जानते ही हो कि कोई सुविधा। महंगाई कितनी कितनी कम हुई है, कितना तक कम हुई है महंगाई? क्या महंगाई, क्या कम हुई? महंगाई कम हो गई? क्या हुई? तो वोट आपका कहाँ जाएगा, क्या मानूं मैं? वोट जाए तो ही जाए। कुछ भाजपा या सपा में एक चीजों को चुनने के लिए कहा जाए, भाजपा या सपा में अगर एक पार्टी को चुनने के लिए कहा जाए तो वोट आपका कहाँ जाना है? भाजपा में जाएगा। लेकिन महंगाई तो है, महंगाई तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकम बढ़ गई है? कछु नहीं भर ये तो कछु लाल बोए नहीं मिलते, न कछु मिलते, न राशन, न पानी कोई। आगे लेकिन वोट भाजपा को ही जाएगा? बात तो ऐसी बात है, बात तो दिल में लेगी सौदा है, जहाँ दिल हो तान लगाओ। मिल गया है भाजपा से, चाहे महंगाई कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, वोट जो है भाजपा को ही जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनका मत हम जानने का प्रयास करेंगे। दादाजी वोट किसे देना आपकी बार? भाजपा को देंगे कि सपा को देंगे? मजा हम नहीं बताएंगे। जब वोट आते हैं तब लोग आते होंगे, उठा के ले जाते होंगे, अरे दादाजी बहुत बढ़िया आप ये सब वोट दीजिए चल के, ऐसा होता है? तब यही ठीक को ठीक है। अखिलेश की योगी चाहे कोई नहीं, या एक जन को मिले, एक ही खबर मिली है। किसे मिलेगा अखिलेश की वोट?
अच्छा महंगाई कुछ कमी हुई कि नहीं हुई? महंगाई कमी है, तो महंगाई और बढ़नी चाहिए अभी और बढ़नी चाहिए महंगाई बढ़नी चाहिए। अच्छा खेत बात तो होंगे आपके, खेतार तो होंगे आपके? खेत तो है। गाय घुसती है वहाँ पर? गाय घुसती है? गाय रोज मारता योगी ने घुसेड़ दी क्या अखिलेश यादव जी ने? योगी ने घुसेड़ दी क्या अखिलेश यादव जी ने? अखिलेश का घुसेड़ दी है, जनता ढीली है। अच्छा 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 अखिलेश के समय में गाय कहाँ थी, ये दिखाई नहीं पड़ती थी? तब नहीं थी गाय। तब कहाँ थी? कहाँ थी? नहीं अचानक से ये आ गई? अचानक ढील गई सबने। इनका मत सीधा है कि सपा में ही ये जाना अपना चाहते हैं? सपा का है अपना अपना वोट है, गाय को लेकर मुद्दा रहता है, एक बार ऐसा एक बार नहीं हमने कई बार कहा। नाम क्या आपका? दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी बताएं आपका वोट आपका बंद कहाँ पर रहेगा? साइकिल। साइकिल रहेगा? किस आधार पर? क्यों रहेगा? हमें वोट डालना है। वोट डालना ऐसे ही डालना है, कोई मतलब ही नहीं, विकास से, रोजगार से, महंगाई से कोई मतलब नहीं है? हमें कहा तुम्हारा वोट डालना है, बस वोट डालना है। बड़ा धीमी आवाज ही डालना है। कैसे डालना है, कोई कहेगा तभी डालने की मन से? ऐसे ही मन से ही डालना है, कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? चलो अच्छी बात है, गैया रखनी पड़ती है। क्या लगता है कि सपा आएगी तो गायों की ये स्थिति रहेगी? नहीं रहेगा। कहाँ जाएंगी फिर गाय? पकड़िए और कहाँ जाएंगे? कटे हैं, ठीक है। यही रियलिटी है समाजवादी पार्टी में, गौवंश को काटा जाता था और उसी के कारण गौवंश सड़कों पर नहीं दिखाई देते थे। यहाँ पर जब व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है तो उनको व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं है कि गौवंश सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, किसान परेशान है। जमीनी हकीकत यह है, कागजों पे कुछ और लिख दिया आप लोगों ने, उसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। जो आप लोग लोकसभा उपचुनाव में जो नेता यहाँ पर आते हैं घंटों खड़े रहते हैं केवल इस कारण कि गौवंश जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, ये समस्या सबसे बड़ी रहती है किसान के लिए। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानों की संख्या ज़्यादा है और यही किसानों की समस्या है। यदि भाजपा यहाँ से जाती है तो किसान ही ले के डूबते हैं उनको, इस बात को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। यदि ये बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचती है, जो रूलिंग पार्टी अभी उत्तर प्रदेश की है, तो इन चीज़ों को जरूर संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करें, ऐसा सभी किसानों की तरफ से निवेदन है। और भी लोगों से हम उनका मत जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे थे अभी आप? आप जा बता रहे भाई साहब कि हमारे इंटर हाई स्कूल के लड़के ठिबले मरा रहे हैं, एक भी नौकरी नहीं, योगी ने 4 साल की नौकरी करी। आपका सबसे बड़ा लड़का आपका सबसे बड़ा लड़का आपकी सबसे बड़ी लड़की की उम्र क्या है? आपके सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या है? उम्र भाई 24 साल की है। 24 साल की है। हाई स्कूल किस साल में किया था? 1 साल भाई है उसकी, एक साल हुई है। कितने नंबर आए? 360। 360 तो फर्स्ट क्लास तो बन ही गई है। नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? नौकरी कहाँ भर्ती चल रही है आप बताइए, भर्ती कहाँ है? 10 साल में योगी सब टकराए मार रहे हैं भाई यहाँ के। वो तो कह रहे हैं कोई नौकरी लगी हो? अग्निवीर निकाल दी 4 साल कर दी नौकरी। हाँ तो इससे किसको कैसे देखते हैं आप जो 4 साल में वो क्या कर पाएगा आगे? उनके हिसाब से वो प्रोफेशनल ट्रेंड हो जाएंगे। ये भाजपा ये कह रहे हैं कि 4 साल में कोई अगर जॉब अपना करेगा आर्मी में जाके तो प्रोफेशनल ट्रेंड हो जाएगा, अपने कमाने का तरीका सीख जाएगा। कुछ नहीं है, घर आ जाए फिर कुछ करे बात फिर क्या करें? खेती करें पे यार क्या करे? टिब्बरे मरे यार फिर कहाँ लगे? कुछ लोग कह रहे हैं आतंकवादी बनेंगे। आतंकवादी है कहाँ जनता आगे? अब तो पुलिस दी सकती है, आतंकवादी है कहाँ जा बताए? मतलब पुलिस सख्त ना होती इसका आपका, आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में पुलिस सख्त है? आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में पुलिस सख्त है? आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में पुलिस सख्त है? ये बात मानते हैं ना? हाँ जी मानते हैं। तभी कहीं ना कहीं इस बात को डर है, तभी कहीं ना कहीं डर है। अदा जी आपका नाम क्या है? सुरेश सिंह उधर देख के बोलिए आप। वोट कहाँ जाने वाला आपकी बार आपका? साइकिल में जाएगा। भाजपा में क्यों नहीं जाएगा? भाजपा को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मरो जाए रो आदमी रात दिन जगत। ई श्रम कार्ड दिया, राशन फ्री में दिया, ये सब कर। राशन तो पहले ही नहीं मिल रहा है, फिर भाजपा ने कहा अपने घर से दिन ही दिया है। क्या लगता है भाजपा राशन फ्री देके वोट को डाइवर्ट करना चाहती है? नहीं कर पाए साहब, नहीं कर। भैया दीपू कुमार, आपकी बार भाजपा या सपा? सपा। सपा भैया महंगाई है इतनी, बता तेल 200 रुपए का, पेट्रोल 100 रुपए, 100 से प्लस में है,
डीजल वो 100 रुपये है, तो बताओ हमें जो सरकार से, हम गरीब आदमी है, किसान आदमी है, जुताई जो 120 रुपये चल रही थी वो आज 180 हो गई है खेत की। यहाँ पर काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी लोगों के मत जाने हमने, काफ़ी लोगों से भाजपा सरकार और सपा सरकार की जो बातें थी वो हमने जानी कि किस आधार पर उनका वोट सपा को जाएगा और किस आधार पर नहीं जाएगा, या भाजपा वालों से भी जाना जो भाजपा समर्थक थे कि किस आधार पर उनका वोट भाजपा को जाएगा और सपा को नहीं जाएगा। सबकी कहीं ना कहीं गौवंशों को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर ये सारी समस्याएँ किसान भाइयों की यहाँ पर थी। यहाँ पर कई युवाओं के भी बात मैंने करने की कोशिश की है, उनसे इंटरेक्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन जिन उन लोगों के वोट अभी नहीं बने हुए थे, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं मत है कि जब मेरा वोट बनेगा तो वोट तो हमारा भाजपा को ही जाएगा। तब तक के लिए बनते रहिए ऐसे ही जमीनी सर्वे के साथ, हमारे साथ बने रहिए आप। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।